वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टाइम। माय सेल्फ अंजनि कुमार प्रजापति एंड वी विल डील्स ऑफ द फिजिक्स ऑफ क्लास 11 एंड फर्स्टली वी विल डील्स मैथमेटिकल टूल्स ऑफ दिस सेशन। बेटा हम लोग 11 की फिजिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले या कुछ और इसकी फिजिक्स के बारे में जानने से पहले हम उसमें यूज होने वाले मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज इसमें बायो या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथमेटिक्स की उन टर्म को नहीं जानते होंगे जो फिजिक्स की शुरुआत में या फिजिक्स में यूज होना होगा। कुछ चीज़ें आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, वो ट्वेल्थ की चीज़ भी यहाँ एलेवेंथ में यूज हो जाएगा। तो लोग परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि भाई ये टर्म कहाँ से आया, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज़ को प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को, इसीलिए हम लोग पहले किसी फिजिक्स के किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा के कुछ फार्मूले हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। इससे एक्सपेंड करेंगे बेटा यही मिलेगा। आगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा, या इसे एक्सपेंड करेंगे ये मिलेगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम a माइनस बी ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब थ्री बेटा थ्री ए बी यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी एक ब्रेकेट में मिलेगा। ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब को साथ में रखें, थ्री ए बी यहाँ से कॉमन कर लिए माइनस ए, तो माइनस के साथ थ्री ए बी, और यहाँ से ब्रेकेट में ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा ए माइनस बी। हेयर ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले को यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। नेक्स्ट है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। नेक्स्ट उसी फार्मूले के सीरीज में अल्जेब्रिक फार्मूला ये भी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। एक्सपैंड करेंगे बेटा इसको तो 4ab ही मिलेगा यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर हम करें उस अलजेब्रा के फंक्शन में, अलजेब्रा में ही, तो द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड डिग्री क्या होगी, एक एजम्पशन लेते हैं इक्वेशन का, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हेयर इसका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो ये फार्मूला बनकर आता है जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हेयर बी सीन दैट ए बी सी, व्हाट इज द ए बी सी, ए बी सी इज द अलजेब्रिक फंक्शन व्हिच इज वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी कुछ 0 टू इन्फिनिटी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो उन सब चीज दो वैल्यू की एडिशन, दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन और उसकी डिग्री टू, तो इन सब ऐसे डिजिट मिलेंगे तो इस फार्मूले को लगाकर हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस श्रीधराचार्य फार्मूले की बात करें, एक्स इज द वेरिएबल, एक्स जो है वो वेरिएबल है, और यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ डिग्री ऑफ एक्स टू सेकेंड डिग्री ऑफ एक्स ए है, कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्स बी है, और हेयर सी इज द कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स हैं, उन थ्री वेरिएबल्स में से एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल जाए उन थ्री वेरिएबल्स को किसी तरीके से यूज करके, तो अगर हम देखें तो उसके लिए जो फार्मूला बनकर आता है एक्स इक्वल टू ये आता है। यहाँ बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ एक्स प्लस माइनस रूट द कोफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस फोर इंटू द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू द कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन टू इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हो आएगा। इस पर एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन यह है सॉल्व द इक्वेशन 6x² - 13x + 6 = 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करना है। यहां पर कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2। और यहां पर इसका कंपैरिजन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करना पड़ता है व्हिच वैल्यू इज ax² + bx + c। तो हम लोग यहां एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम अगर लिखते हैं तो ax² + bx + c = 0। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन का कंपैरिजन करवा दें तो द प्लेस ऑफ एक्स इस द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। हेयर इन दिस इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6। और बेटा यहां पर जो कुछ भी वैल्यू लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इज b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन -13। द कांस्टेंट टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज c। Here the constant term of the given equation is 6. We know that the root of quadratic equation is x is equal to -b + √b² - 4ac/2a. Here the above value is substituting in this equation, then we will get minus and almost minus पहले से भी है और 13 भी minus के साथ है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ minus तो आप हटा दें, minus एक पहले वाला रहेगा और ये value की भी minus, plus minus under root b square, it means -13 whole square -4 इंटू द कॉफिशियंट ऑफ x² a इज इक्वल टू 6। कंपेरिजन करने के बाद a की वैल्यू 6 मिली है। यहां पर c इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू भी 6 है, फार्मूले में c है, c की वैल्यू भी 6 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 6। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन -13 + -√13² = 169 - 6 6 6 6 6 36 और 4 144 - 6 2 12 x = 13 +√169 में से माइनस करेंगे 144, देन वी विल गेट 25/12। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस साइन लेकर और एक बार माइनस साइन लेकर, तो वी टेक फर्स्टली पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 13 प्लस अंडर रूट, यहां इसे और भी हम लोग 13 प्लस माइनस 5 बाई 12। तो यहां से फर्स्टली हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं तो 5/12 वी विल गेट 18/12 और इजी करेंगे तो 3/2 x = 3/2।
2. This is the first value, and again we take minus sign. Minus sign में x is equal to 13 minus 5 by 12. इसी क्वेश्चन में बेटा एक बार माइनस साइन लेकर एक बार प्लस साइन लेकर सॉल्व करेंगे. माइनस 5 बाई 12, 5 माइनस करेंगे तो 8 बाई 12, एंड वी विल गेट 2 बाई 3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा यहां पर x की दो वैल्यू क्यों आई? बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाइएस्ट डिग्री ऑफ द x इज 2, देन x की वैल्यू दो वैल्यू पॉसिबल होंगे. वन इज 3/2 एंड अनदर इज 2/3. अलजेब्रा के उसी सीरीज में हम आगे अलजेब्रिक फार्मूले के आगे एक चीज और पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम. इफ n इज एनी इंटीजर देन पॉजिटिव आर नेगेटिव और फंक्शन एंड x इज एनी रियल नंबर देन दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला, 1 plus x to the power n इज इक्वल टू द 1 plus nx plus nn minus 1 upon factorial 2. बेटा ये सिंबल जो होगा इसे बोलते हैं फैक्टोरियल. ये सिंबल जैसे 2, ये 3, 4, दिस इज द फैक्टोरियल. इसे बोला जाता है फैक्टोरियल. इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इसे लिखने का एक तरीका और है. ये दिस इज द फैक्टोरियल, कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, बस सिंबल अलग अलग है लेकिन वही चीज है, फैक्टोरियल भी है. दिस इज द फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल 2x² एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3x³ डॉट 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 ऐसे जाएगा. वे फैक्टोरियल 2 का मतलब आप यहां से ऐसे लिखेगा कि फैक्टोरियल 2 को एक्सपैंड कैसे करेंगे, 2 into 1. फैक्टोरियल 3 को एक्सपैंड करेंगे, 3 into 1. जैसे फैक्टोरियल n है मेरे पास, तो फैक्टोरियल n को कैसे एक्सपैंड करेंगे, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 to 1. यानी कि अगर हमें फैक्टोरियल 5 को एक्सपैंड करना है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, तो इससे हमें 5 into 4 into 3 into 2 into 1, हमें 1 तक जाना है. किसी भी फैक्टोरियल को का एक्सपेंशन करना है तो 1 तक जाना होगा. फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 में 20 into 19 into 18 17 up to 3 to 1 तक जाना होगा. तो किसी भी फैक्टोरियल का एक्सपेंशन हमें करना होगा तो एटलीस्ट 1 तक जाना होगा उस फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए. इफ एक्स इज पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, और वो 1 से छोटा है, देन 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्विवेलेंट या लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स के. कंडीशन क्या होगी, एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स बहुत ही छोटा है. 1 में इतना जोड़े कि 1 से छोटा हो, बहुत छोटा हो, लेकिन 0 भी ना हो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू होती है इक्विवेलेंट 1 प्लस एन एक्स. इस पर एक एग्जांपल भी देखते हैं. एग्जांपल ये है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस उसका r है, एट द गिवन इक्वेशन है g' = gr² r + h² वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, r द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h हाइट अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस. देन इफ h इज वेरी स्मॉल टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन द सो दैट g' = g 1 + 1 - 2h / r. इसी को हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन में हमें देखना यह है, गिवन है एक इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम यहां पर लिखते हैं g' = g' क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट अबव द अर्थ. तो g' = gr² r + h² ये इक्वेशन गिवन है. आप करेंगे क्या, हमें इस इक्वेशन को कोशिश ये करना है, अगर बायनोमियल थ्योरम यूज करना है तो इसी फॉर्म में बन जाइए. इस फॉर्म में कैसे बनेगा,
तो इसके लिए भी हमें एक जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जी डैश इज इक्वल टू, इस जी को यही रहने दें और इस आर को इसके नीचे ले आइए, तो वन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी, और बेटा ये इस दोनों की डिग्री सेम है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आर प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर, और जी डैश इज इक्वल टू जी। और अब यहां से ये एक यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर अपान आर प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो वन का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और जी डैश इज इक्वल टू जी, और आगे सॉल्व करेंगे, आर से आर कैंसिल, वन प्लस एच अपान आर और होल डिग्री होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी और वन प्लस एच अपान आर, और इस तरीके से हमें यहां पर डिग्री तो मिलेगी माइनस टू। जी डैश इज इक्वल टू जी, वन प्लस एच अपान आर, डिग्री माइनस टू। ये देखिए थोड़ा सा अगर कंपेयर करते हैं तो जी डैश अपान जी इज इक्वल टू वन प्लस एच अपान आर होल डिग्री माइनस टू, ये कुछ ऐसा दिख रहा है इस इक्वेशन के तरीके, वन प्लस एक्स टू टी पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपन फैक्टोरियल टू के तरीके से दिख रहा है। तो जब ऐसा केवल कंपेयर अगर हम देखें तो एक्स की प्लेस पर एच अपान आर है, एक्स की प्लेस पर एच अपान आर है, कंपेयर करके हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं, और ये फार्मूला यूज करते हैं तो वन प्लस यहां पर एन, एन मीन्स डिग्री, माइनस टू क्या है एक्स, एक्स मीन्स एच अपान आर प्लस एन एन माइनस वन, इट मीन्स माइनस टू और इसमें से माइनस वन अपान, बेटा देखिए माइनस टू एन की वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे टर्म चलता रहेगा। वन यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टू एच अपान आर आर माइनस माइनस टू माइनस थ्री, यहां से माइनस टू माइनस थ्री माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और सिक्स बाई फैक्टोरियल टू इन टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हमें एक टर्म यूज करना होगा, वो टर्म ये है कि अगर देखें कि ऐसे सॉरी एक्स की यहां से बेटा एक्स की प्लेस पर हमें रखना होगा एच अपान आर होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा एच स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ एच इज वेरी स्मॉल विथ कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो एच इतना स्मॉल है कि आर रेडियस से बहुत छोटा है, तो एच स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉल, और भी स्मॉल होगा तो आर स्क्वायर की कंपेरिजन में, तो एच स्क्वायर के हाइयर टर्म को हम लोग नेग्लेजिबल मान लेते हैं। और इस कंडीशन में होगा क्या, एच एच इज लेस देन आर देन एच बाई आर इज वेरी स्मॉल सो टर्म कैन कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एच बाई आर कैन बी नेग्लेक्टेड
तो इसके हायर एच बाई आर की हायर डिग्री को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एच बाई आर देखिए बेटा एच वैसे भी बहुत स्मॉल है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो एच स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर एच इज वेरी स्मॉल आर, देन एच स्क्वायर इज वेरी स्मॉल विद कंपेयर टू आर स्क्वायर, सो एच स्क्वायर टर्म इज नेग्लेक्टेड। अब इस एच स्क्वायर टर्म या एच बाई आर स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं तो यहां पर केवल यही टर्म बचेगा जी डैश अपान जी इक्वल टू वन माइनस टू एच अपान आर, और इस तरीके से जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपान आर, हेंस प्रूव ये हमें मिल गया जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपान आर। इस तरीके से अल्जेब्रिक फंक्शन में हमें जब भी बायनोमियल थ्योरम यूज करके लाना होगा तो यस ऐसे ही सॉल्व होगा। और ये सारी बेटा जो रिक्वायरमेंट है ये फार्मूलों की, ये आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे, इसीलिए हम इलेवेंथ की किसी सॉलिड टॉपिक को उठाने से पहले मैथमेटिकल टूल्स की स्टडी कर रहे हैं। बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा।